2018 के इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमायतें 25 जुलाई को होंगी आमने सामने। लाहौर में मैदान मारने के लिए नून लीग, कप्तान की टीम और दीगर सियासी पार्टीज हैं तैयार। कौमी असम्बली के 14 हलकों में PTI और नून लीग में जोरदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, जबकि लाहौर में पीपल्स पार्टी, मुतहदा मजलसे अमल, काफ लीग समेत दीगर सियासी जमायतें अभी तक अपने उम्मीदवारों की तलाश में मसरूफ हैं। इस वक्त लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलकों में से सिर्फ 3 हलके ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। शहर लाहौर में इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला NA131 में चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक में होगा। लाहौर में दूसरा बड़ा मुकाबला दोनों जमायतों की ख्वातीन उम्मीदवारों मरियम नवाज और डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान NA125 के दरमियान में होगा, जबकि कांटे का मुकाबला के लिए NA129 से सरदार अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान हैं तैयार। NA130 में PTI के शफकत महमूद और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन के दरमियान भी मुकाबला सख्त होने की तवक्का की जा रही है, जबकि कौमी असम्बली के हलका NA124 से साबिक वजीर आला पंजाब के साहबजादे हमजा शहबाज का मुकाबला नुमान कैसर करेंगे। पाकिस्तान के जुलाई में होने वाले इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अब देखना है कि जीत का ताज किसके सर सजता है। 25 न्यूज लाहौर।